पॉइंट सेट टोपोलॉजी का ओपन सेट एंड क्लोज सेट के वीडियो का पार्ट टू है। पार्ट वन में हमने ओपन सेट क्या होता है, क्लोज सेट क्या होता है, उनका डिफिनेशन एग्जांपल के साथ समझा था और पांच इम्पॉर्टेंट एग्जांपल किए थे, जिसका सिक्स एग्जांपल हमारा रह गया था। इस सिक्स एग्जांपल के को करने के बाद हम एक नए रिजल्ट पर पहुँचेंगे, जिस पर सीएसआईआर का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था। और चलिए करते हैं, फिर देखते हैं। तो सिक्स एग्जांपल हमारा एक सेट दिया गया है, एन प्लस वन बाई एन, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब हम ओपन और क्लोज के लिए क्या करते थे, आपने पिछले लेक्चर में डेफिनेशन अगर देखी है तो क्लियर होगा आपको कि क्लोज दिखाने के लिए हमें सेट के ड्राइव सेट को उसमें कंटेन दिखाना पड़ता था सेट के अंदर, सेट में ही नहीं। और ओपन दिखाने के लिए हमें सेट के जो सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट होते थे वो सेट के इक्वल आने चाहिए थे। तो अगर हम इस सेट की बात करें तो इस सेट को देखकर अगर हम बात करें तो इसमें पॉइंट कैसे मिल रहे होंगे। देखिए मैंने स्टार्टिंग से ही आपको कहा है कि अगर आपको कोई सेट दिख रहा है तो आपके माइंड में तुरंत तो तीन उसके एलिमेंट, चार एलिमेंट आपके माइंड में आ जाने चाहिए। तो अगर इसमें एन किससे नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो पहला पॉइंट टू, फिर टू प्लस वन बाई टू, फिर थ्री प्लस वन बाई थ्री, फोर प्लस वन बाई फोर, इस टाइप के एलिमेंट मिलेंगे। अगर हम इस एलिमेंट की बात करें तो हम देख रहे हैं इसमें हर एक पॉइंट हमारा क्या है, एवरी पॉइंट ऑफ ए सिक्स इज आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है, बहुत अच्छे से लेक्चर में हमने समझाया हुआ है। आइसोलेटेड का पॉइंट का मतलब होता है कि अगर उसका उस पॉइंट को लेकर अगर हम कोई ओपन इंटरवल बनाएं डेल्टा पॉजिटिव लेकर, तो उसमें हमें उस पॉइंट के सेट के सेट का उस पॉइंट के अलावा और कोई पॉइंट नहीं मिलना चाहिए। मतलब सेट के साथ अगर आप उसका इंटरसेक्शन लीजिए तो फिर आपको केवल वो पॉइंट ही मिले, जिसको हमने अकेला कहा था ना कि सेट के किसी एलिमेंट से मतलब नहीं रखेगा। तो अगर हम बात करें इस सेट में हर एक पॉइंट हमारा क्या है, आइसोलेटेड है, और इसके पास किसी भी इसके जो सिक्स हमारा सेट है इसके पास लिमिट पॉइंट नहीं है। तो अगर इसके पास लिमिट पॉइंट नहीं है तो इसका जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट आएगा, जिसको हम लोग ड्राइव सेट कहते हैं, वो क्या आएगा, फाई आएगा। और फाई जो होता है इम्प्टी सेट होता है, तो हर सेट का सबसेट होता है, तो ये एस सिक्स में कंटेन कर जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ड्राइव सेट जो है एस सिक्स का, वो एस सिक्स में कंटेन कर गया, तो इससे एस सिक्स क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। अब अगर हम बात करते हैं इसके इंटीरियर पॉइंट की, तो इंटीरियर पॉइंट तो इसका कुछ मिलेगा नहीं, इंटीरियर पॉइंट इसका क्या आएगा, फाई आएगा, और वो सेट के बराबर तो नहीं हुआ। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ओपन नहीं है। क्योंकि यहाँ देख लीजिए, ओपन के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट भी देखा था कि अगर हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है और वो अगर अनकाउंटेबल नहीं है तो फिर वो पक्का ओपन नहीं होगा। तो ये देखिए, ये हमारा नॉन एम्प्टी भी है और ये अनकाउंटेबल भी नहीं है, क्योंकि एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से लेते जाएंगे, तो ये हमारा अनकाउंटेबल भी नहीं है और नॉन एम्प्टी भी है, तो ये हमारा ओपन नहीं होगा। तो इस रिजल्ट से हमने ये समझा कि हमारा सेट क्लोज तो है लेकिन ओपन नहीं है। तो ये हमारे जो हमने एक से लेकर छः तक एग्जांपल किए, अब इनसे हम कंक्लूज़न पे क्या निकले, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, तो इससे हम इस डिस्कशन पे पहुँचे कि अगर हमारे पास कोई सेट है जो सबसेट है रियल नंबर का, तो वो क्लोज्ड हो सकता है, ओपन नहीं। जैसे भी हमने एग्जांपल नंबर जो सिक्स किया वो क्लोज तो था लेकिन ओपन नहीं था, ओपन हो सकता है लेकिन क्लोज नहीं। पहला एग्जांपल हमने किया था वो ओपन था लेकिन क्लोज नहीं था। एग्जाम तीसरी बात क्या हुई कि ये दोनों चीज़ हो सकता है, ओपन और क्लोज, इसको भी हमने किया था जब सेट फाई ले लिया था और रियल नंबर ले लिया था, दोनों ओपन और क्लोज दोनों होते हैं। और एक रिजल्ट हमारा चौथा ये भी बन सकता है, कंडीशन चौथी ये भी बन सकती है कि एस ना तो ओपन हो ना तो क्लोज हो। तो इसको भी देख लीजिए एग्जाम्पल, मान लीजिए हम एक सेट ले लेते हैं वन बाई एन, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, इसको हमने पीछे इसका लिमिट पॉइंट निकालना सीखा था जब लिमिट पॉइंट का वीडियो लेक्चर किया था। तो अगर हम इसके लिमिट पॉइंट की बात करें तो इसका लिमिट पॉइंट क्या आएगा, इसका ड्राइव सेट क्या आएगा, लिमिट पॉइंट जीरो आएगा और इसका ड्राइव सेट सिंगलटन जीरो आएगा। क्या वो सेट में कंटेन करेगा, बिल्कुल नहीं कंटेन करेगा, इसका लिमिट पॉइंट सेट में कंटेन नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर इसमें आप स्टार्ट करोगे तो पहला एलिमेंट वन से है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्लोज्ड नहीं है। अब देखिए, ओपन के लिए हमने कंडीशन कितनी बार बोली है कि सेट नॉन एम्प्टी हो और अगर अनकाउंटेबल ना हो तो वो ओपन भी नहीं होता है। हमको साफ दिख रहा है कि ये सेट क्या है, नॉन एम्प्टी है और ये सेट अनकाउंटेबल भी नहीं है, तो इससे हम कह सकते हैं कि ये ओपन भी नहीं है,
तो इससे हमारे चारों रिजल्ट कंडीशंस बन गई कि एस क्लोज्ड है तो ओपन नहीं है। इसका भी एग्जांपल अभी 6 नंबर पे देखा था, एस ओपन है लेकिन क्लोज नहीं है, तो पहला एग्जांपल था 0 से 1 जो हमने किया था। दोनों चीज़ें हैं क्लोज और ओपन, तो इसके लिए हमने फाई और आर को दिखाया था। और ये देखिए हमने एग्जांपल ये भी ले लिया कि एस हमारा ना तो ओपन है ना तो क्लोज है। तो अगर आपको वो 4 पॉइंट समझ में आ गए हैं तो उसी पर बेस्ड बिल्कुल एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपका आया हुआ था CSIR में, देखिए क्या क्वेश्चन था। पहले उससे पहले एक नोट देख लीजिए, द डिफिनेशन ऑफ ओपन एंड क्लोज सेट आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री बिहेवियर। कॉम्प्लीमेंट्री बिहेवियर की ओपन और क्लोज नहीं होती, ये तो हमें पता चले गया, क्योंकि अगर हम बोल दें कि नहीं कोई सेट ओपन है तो वो फिर क्लोज नहीं होगा, या कोई अगर अगर हम यही बोल दें कि अगर कोई हमारा सेट क्लोज नहीं है तो वो ओपन होगा, या ओपन नहीं है तो क्लोज होगा, इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बिहेवियर। तो हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि अभी हमने जो पॉइंट देखे, रिजल्ट देखे, उसमें हमने ये भी देखा कि सेट ओपन क्लोज दोनों हो सकता था, और ये भी देखा कि ना सेट ओपन हो सकता था ना क्लोज हो सकता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डिफिनेशन होती है ओपन और क्लोज की वो कॉम्प्लीमेंट्री बिहेवियर शो नहीं करती। कॉम्प्लीमेंट्री बिहेवियर जैसे लीनियर में हमने देखा कि अगर हम कहते थे कि अगर हमारा कोई सेट एल आई है तो वो एल डी नहीं होगा, या अगर कोई हमारा एल डी है तो वो एल आई नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री बिहेवियर। लेकिन सेट ओपन सेट और क्लोज सेट के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते, और इसको हमने बिल्कुल पिछले पॉइंट से अच्छी तरह से समझ लिया है। तो इस पे ही हमारा नोट बनता है और आया हुआ क्वेश्चन भी कि इफ़ एस इज़ नॉन एम्पटी एंड नॉट नॉट इक्वल टू आर, ना तो वो एम्पटी है ना आर है, तो एस की क्या क्या कंडीशन हो सकती है। देखिए अगर एम्पटी और आर दोनों ये थे, क्या थे, ये क्लोज भी थे और ये ओपन भी थे, अगर ना तो हमारा सेट एम्पटी है ना तो आर है, तो क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। ओपन हो सकता है, नॉट क्लोज हो सकता है, क्लोज हो सकता है, नॉट ओपन हो सकता है, या तीसरी एक लास्ट जो कंडीशन बची थी, ना तो ओपन हो सकता है ना तो क्लोज हो सकता है। ठीक है जी, तो अगर हमारा सेट ना तो नॉन एम्पटी है मतलब, और ना तो आर के बराबर है, तो उसके लिए हम ये तीन कंडीशंस कह सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए कि इफ़ वही चीज़, इफ़ एज नॉन एम्पटी एंड एस इज़ क्लोज्ड, अब हमने एक कंडीशन इसमें लगा दी, डायरेक्ट यही क्वेश्चन आया हुआ है आपका, बस उन्हीं चार रिजल्ट्स पे बन रहा है। देखिए अगर हमने कहा कि एज हमारा नॉन एम्पटी है और एज हमारा क्लोज्ड है, तो यहाँ पर आ जाइए आप कि वो नॉन एम्पटी है और साथ में वो क्या है, क्लोज्ड है, ये तो नॉट क्लोज का है, ये भी नॉट क्लोज का है, ये देखिए क्लोज्ड का है, अगर वो क्लोज्ड है तो फिर वो क्या नहीं हो सकता, ओपन नहीं हो सकता। तो यहाँ से हम इस रिजल्ट पे पहुँचेंगे कि एस इज़ नेवर ओपन। देखिए इस रिजल्ट का यूज़ कितना अच्छा होने वाला, और ये कोई रिजल्ट बनाया नहीं गया, ये भी आपने जो हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं उसी के डिस्कशन से निकला है। तो अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फोर्थ। फोर्थ में क्या कहा है कि इफ़ एस नॉन एम्पटी है और एस नॉट इक्वल टू आर है और एस ओपन है, तो फिर वो इस तीन कंडीशन में आते हैं कि भाई अगर ओपन है तब, तो ओपन के लिए क्या था, ओपन बट नॉट क्लोज, तो एस हमारा कभी भी क्लोज नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो ये हमारा डिस्कशन हो गया ओपन और क्लोज्ड सेट का एग्जाम्पल के साथ। अब हम अगले लेक्चर में इस पे क्वेश्चंस करेंगे। एक छोटा सा और पॉइंट है आपका कि एवरी ओपन इंटरवल इज़ ओपन सेट, बट ओपन सेट नीड नॉट बी ओपन इंटरवल, मतलब हमारा हर ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है, लेकिन हर ओपन सेट ओपन इंटरवल हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे अगर हम बात करें एस इक्वल टू ओपन 0 1 एक ले लेते हैं, और यूनियन लगाकर 2 से 3 ले लेते हैं, तो ये जो हमारा बना ये ओपन सेट तो बना, लेकिन ये ओपन इंटरवल तो नहीं है। तो इस तरह ओपन इंटरवल तो हमेशा ओपन सेट होगा, लेकिन ओपन सेट ओपन इंटरवल में और में नॉट की कंडीशन को होल्ड करेगा। इसी तरह अगर हम क्लोज सेट की बात करें तो क्लोज्ड इंटरवल जो होता है वो हमेशा क्लोज सेट होता है, लेकिन अगर हम क्लोज्ड सेट की बात करें तो वो कन्वर्स इसका भी ट्रू नहीं हो सक होता है कि मतलब क्लोज सेट जो है आपका वो क्लोज इंटरवल हो या ना हो, ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है। हमारे पास कोई ओपन इंटरवल है तो वो हमेशा ओपन सेट होगा, लेकिन अगर ओपन सेट है तो वो ज़रूरी नहीं कि वो ओपन इंटरवल होगा। ठीक है जी, ये दो छोटे छोटे पॉइंट हैं, याद रखिएगा कि अगर हमारे पास कोई ओपन इंटरवल है तो वो ऑलवेज ओपन सेट होगा, बट ओपन सेट नीड नॉट बी ओपन इंटरवल। जैसे देखिए एग्जाम्पल, ये जो हमने लिया ये हमारा एक ओपन सेट है, यूनियन 0 से 1, यूनियन 2 से 3 ओपन, लेकिन क्या ये हमारा ओपन इंटरवल है, नहीं भाई, ओपन इंटरवल तो सिंगल होता है, यूनियन में तो नहीं होता। इसी तरह एवरी क्लोज इंटरवल इज़ क्लोज सेट, जितना भी क्लोज इंटरवल होंगे वो सब हमारे क्लोज सेट होंगे, बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। जैसे हम ले लेते हैं एक सेट
वन टू थ्री, ये हमारा क्लोज सेट है। लेकिन क्या ये क्लोज इंटरवल है? बिल्कुल नहीं है। ये क्लोज सेट क्यों है ये तो आपको पता चल रहा है ना क्लोज सेट का डिफिनेशन लगाकर। चलिए तो ये आपका डिस्कशन हो गया ओपन सेट और क्लोज सेट पर, सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी हो गए डिफिनेशन को समझने के लिए। अब अगले लेक्चर में हम इस पर आधारित प्रश्न करेंगे। चलिए धन्यवाद।